गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी सुबह बज रहे हैं 6:30 और मैं उठी हूँ अब सुबह सुबह ऑफिस के लिए। और ये ड्रेस मैं पहनूंगी ऑफिस के लिए, ये कुर्ता और साथ में प्लाजो। और इसी के बाद मैं गर्म पानी की तैयारी करूँगी। गर्म पानी मेरी मम्मी ने तैयार किया है और मैं पी रही हूँ उसको। पीने के बाद जल्दी से ब्रश करूँगी। ब्रश करने के बाद एक्चुअली क्या है, खाली पेट मैं पानी नहीं पी पाती हूँ, तो गर्म पानी मेरे को जो है नहीं पिया जाता इजली खाली पेट। तो मैं धीरे धीरे ही हमेशा पीती हूँ। देखिए, खुद ही देख लीजिए कैसे धीरे धीरे मैं पिए जा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं लेट हो जाऊँगी फिर भी। और अभी मैंने पी लिया है। अभी इसके बाद अभी मैं ब्रश करने जा रही हूँ। ब्रश करते वक्त मैं थोड़ा धीरे धीरे ब्रश करती हूँ। एक्चुअली सोने के बाद जब उठते हैं तो मैं बहुत लेज़ी होती हूँ, मेरा को मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी आज पता नहीं कैसे थोड़ी सी फुर्ती है, क्योंकि मैं साथ में वीडियो भी बना रही हूँ शायद इस वजह से। और साथ ही साथ मेरी मम्मी भी मेरे नाश्ते की तैयारी कर रही है, टिफ़िन की तैयारी कर रही है। और मैं सोच रही हूँ कर ही लेती हूँ ब्रश, और ब्रश करने के बाद नहाने जाऊँगी। साथ में मम्मी के साथ बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन के सामने ही किचन है, तो झाँक झाँक के मैं बात भी कर रही हूँ मम्मी के साथ। और ये सब बात करते करते मैं कम से कम मुझे 5-7 मिनट तो लग ही जाते हैं। और साथ ही साथ देखिएगा, मुझे घूमते घूमते ब्रश करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं घूमते घूमते ब्रश ज़्यादा कर रही हूँ। अंदर मेरा भाई भी सो रहा है अंधेरे में, क्योंकि एक्चुअली वो देर से ही उठता है हमेशा। देखिएगा, और मैं बहुत देर तक ब्रश करती ही रहती हूँ। मेरी रोज़ का रूटीन यही है कि ब्रश करते रहना। ये मेरा फेवरेट रूटीन में से एक है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। ये इसके साथ साथ मुझे नहाना भी बहुत पसंद है। जब जिस दिन छुट्टी रहती है तो उस दिन मैं घंटों घंटों नहाती हूँ, मतलब घंटों घंटों सब मेरा इंतज़ार करते हैं, टंकी खाली होने वाली होती है, फिर भी मैं नहीं रुकती हूँ, क्योंकि मुझे नहाना थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी सुकून की ज़रूरत होती है। और मेरी मम्मी इसी वजह से मुझे थोड़ा लेज़ी बोलती है। हाँ, मैं थोड़ी सी हूँ लेज़ी, लेकिन मैं खुद को एक्टिव भी दिखाने की कोशिश करती ही रहती हूँ कि मुझे कोई भी लेज़ी ना बोले। लेकिन सच बताऊँ तो मैं सच में थोड़ी सी तो लेज़ी हूँ ही। और ऐसे में मेरा ब्रश देख रहे हैं ना आप, कैसे मैं ब्रश कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, ब्रश करते करते भी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, और मैं ब्रश करती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ और घूमती रहती हूँ, तो ऐसे में मेरा ब्रश होता है। अभी पता है दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे मैं ऑफिस में जल्दी पहुंचूंगी, क्योंकि अभी तक तो मैं ब्रश ही कर रही हूँ और मैं ब्रश ही करती जा रही हूँ। और फिर उसके बाद ये भी दिमाग में चल रहा था कि आज मेरे ऑफिस में मुझे आधा घंटा पहले भी बुलाया था, तो आधे घंटे पहले बुलाने के लिए बुलाया तो था, लेकिन मैं 6:30 बजे उठी हूँ। क्या मैं पहुँच भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुंबई में आपको पता ही है ट्रेन की दिक्कत कितनी ज़्यादा है। वैसे भी बारिश का टाइम है, हमेशा ट्रेन जो है लेट ही होती है बारिश के टाइम पे। देख लीजिए, आप ही खुद देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ब्रश करे जा रही हूँ। और मैं दुखती भी नहीं हूँ। हाँ बताइए दोस्तों, मेरा आखिरकार ब्रश हो जाता है, फिर उसके बाद सोचती चलो अभी थक गई हूँ ब्रश कर करके, अभी मुझे मुंह धो लेना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे मुंह भी धोती हूँ अपने। और मुंह धोने के बाद सीधा नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद फिर वही कपड़ा पहन के वापस आऊँगी, आप देखिएगा खुद ही। एक्चुअली देखिए, अभी मैंने जीभ भी साफ़ करना रह गया था, वो भी नहीं किया। देखो, कुल्ला करते वक्त भी मुझे घूमना है, क्योंकि मुझे घूमना पसंद है। एक्चुअली सुबह सुबह रोज़ ऐसा लगता है कि संडे कब आएगा। एक्चुअली पहले मेरी रोटेशनल शिफ्ट थी, तो रोटेशनली छुट्टी मिलती थी, अब मुझे संडे टू संडे ही मिला करती है।
अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ। सबसे पहले मेरा काम है, मुझे सूरज को जल चढ़ाना होता है, फिर उसके बाद मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना रहता है। हनुमान चालीसा थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं पढ़ती हूँ ताकि लेट हो जाता है, लेकिन रास्ते में चलते चलते काफ़ी चीज़ें सुनते हुए जाती हूँ, जैसे कि हो गया महाभारत ऑडियो बुक हो गई, साथ ही साथ ऑडियो बुक के साथ साथ मतलब एक मैंने टाइम पीरियड बांध रखा है कि रास्ते में इतने से इतने बजे तक मुझे ये भागवत गीता का ऑडियो बुक सुनना है, और कितने देर में मुझे कौन सा भजन सुनना है, कौन सा मतलब मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्योंकि मैं राधा कृष्णा के भजन बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, मुझे पसंद है वो चीज़। और ये हनुमान चालीसा के बाद फिर उसके बाद जो है सीधा मैं तैयार होने की कोशिश में रहती हूँ, तैयार होकर फिर मैं जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश में होती हूँ। तो इसलिए आपके तैयार होने की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन ये है कि मैं अगली वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगी कि इसके आगे का ब्लॉग मैं ज़रूर नोट करूँ, मतलब वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको मेरा पूरी तरह से डेली रूटीन पता चल सके। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली वीडियो में मैं कोशिश करती रहूँगी कि मेरी वीडियोस हर बार अच्छे से अच्छी बनती रहे। ओके, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।